Hey Marshmallows, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है स्नेक 3। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं फिल्म के कहानी की तरफ। जहाँ सबसे पहले हमें एक ऐसा अनोखा आइसलैंड दिखाया जाता है जहाँ लगातार बारिश हो रही होती है, मगर इस बीच हम देखते हैं कि एक सुपरवाइजर वहाँ मिस्टर चेंग नाम के व्यक्ति को लेने के लिए आया है जो उन्हें अपने साथ कार में बैठाकर कहीं ले जा रहे हैं। दरअसल वो दोनों जहाँ जा रहे थे उस जगह पर वे लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। उनके वहाँ पहुँचते ही मौसम अपना खेल दिखाने लगती है, जिससे बचने के लिए मिस्टर चेंग को हेलमेट पहनना पड़ता है। के बाद वो सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि उन्होंने कई साल पुराने एक स्केलेटन की खोज की है और इस स्केलेटन की सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये लाखों साल पुरानी है। वो मिस्टर चेंग से आगे कहता है कि इस जगह के सख्त होने की वजह से अब यहाँ खुदाई करना लगभग नामुमकिन हो गया है, और अगर यहाँ खुदाई जारी रखनी है तो उसके लिए उस जगह को बोम से उड़ाना होगा, उसके बाद ही वो आगे के काम को अंजाम दे पाएंगे। ये के तुरंत बाद ही मिस्टर चेंग फौरन उस कंपनी के ओनर मिस्टर क्यू को कॉल करके ऐसा करने की परमिशन मांग लेते हैं, और मिस्टर क्यू भी चेंग को इस काम को करने की परमिशन दे देते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब थी कि उनका काम कितनी जल्दी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर चेंग के कहने पर वहाँ के वर्कर्स उस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देते हैं, मगर तभी वो देखते हैं कि जहाँ उन्होंने ब्लास्ट किया था उस जगह के अंदर से एक रहस्यमय चीज निकलती है, जिसको देखने भर से ही इन सबको ये लगता है कि ये भी कई सालों पुराना स्केलेटन ही है। मगर इस बात को और ज्यादा गहराई से जानने के लिए मिस्टर चेंग अपने दो वर्कर्स को उस गड्ढे के अंदर भेजते हैं। उनके कहने पर उनके वर्कर्स भी डरते हुए उस रहस्यमय चीज के पास जाकर उसको चुनने की कोशिश कर ही रहे थे, मगर तभी वो चीज हिलकर जमीन के अंदर घुस जाती है। अब इस मंजर को देखकर वहाँ मौजूद सभी हैरान रह जाते हैं। ये सभी अभी कुछ सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उस जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा स्नेक बाहर निकल रहा है। दरअसल ये स्नेक आज से नहीं बल्कि कई हजारों साल पहले से जमीन के अंदर आराम फरमा रहा था, मगर इन लोगों के किए धमाके की वजह से अब यह खूंखार स्नेक उठ चुका है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग जैसे ही इस मॉन्स्टर स्नेक को देखते हैं तो उनकी हवा टाइट हो जाती है, वहाँ अफरा तफरी मचनी शुरू हो जाती है। ये अभी भाग ही रहे थे मगर तभी हम देखते हैं कि वो स्नेक उन सभी लोगों के ऊपर हमला बोल देता है। उस स्नेक का ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी वजह से काफी लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। अभी वो मॉन्स्टर स्नेक अपना खेल आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ उससे भी बड़ा डायनासोर आ जाता है जो स्नेक से भिड़ने लगता है। उनकी ये लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसे देखने पर से ही उन लोगों की हवा टाइट हो जाती है, और कुछ यूं ये सीन यही कट होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू एक इंटरव्यू में वहां मिले हजारों साल पुराने स्केलेटन के बारे में मीडिया को बता रहे थे। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनके जमीन की वैल्यू जमीन से आसमान तक पहुँच जाए। वो आगे कहते हैं कि उनका यह ड्रीम है कि वो उस जगह को एक विजिटिंग पार्क में तब्दील करे, जिसके लिए उन्होंने अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है। वेल, अब ये सीन भी यही खत्म होती है, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा जिसका नाम काई है वो जमीन पर बैठा हुआ है क्योंकि उसका एक पैर किसी एक्सीडेंट की वजह से टूट चुका है। दरअसल काई अपनी मोम से उस आइसलैंड पर चलने के लिए जिद कर रहा होता है, मगर उसकी मोम उसे वहाँ ले जाने से ये कहकर टाल देती है कि जब उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब वो उसे वहाँ ले जाएंगी। मगर अपनी मोम के ऐसा कहने के बावजूद भी काई नहीं मानता है, और इसी वजह से ना चाहते हुए भी काई की मोम को वहाँ जाने के लिए दो टिकट्स बाय करना ही पड़ता है। अब अगले सीन में हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसके अंदर वहाँ जाने वाले सभी विजिटर्स के अलावा मिस्टर क्यू शामिल थे। अभी ये सब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कोई अनजान चीज बस से आकर टकरा जाती है, जिसको देखकर सभी लोग डरने लगते हैं, और इसी बीच काई भी अपनी मोम से कहता है
है कि मोम, मैंने अभी यहाँ एक डायनासोर को देखा है। मगर उसकी मोम उसकी बातों को मजाक समझकर यूं ही टाल देती है और उनकी बस एक बार फिर आगे बढ़ती है। मगर फिर कुछ देर बाद ही उन सब की नजर कुछ बड़े बड़े पत्थरों पर पड़ती है जो उनके बस की तरफ ही बढ़ रहा था। और उन्हीं पत्थरों से बस को बचाने के लिए ड्राइवर बस को दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सब उन पत्थरों से बच जाते हैं। मगर तभी हमें पता चलता है कि उनकी बस एक पेड़ से टकरा गई है। अब आगे हम देखते हैं कि बस के अंदर बैठे सभी लोग उस बस को धक्का मार कर उसे बाहर निकाल रहे हैं। मगर तभी अचानक काई को सुसू आने लगती है, जिसको खाली करने के लिए वो एक लड़के के साथ जंगल में जाता है और वहाँ पौधों को सुखाने लगता है। लेकिन इसी बीच वहाँ कोई मिस्टीरियस चीज आकर उस लड़के को अपने साथ उठाकर ले जाता है। और जब काई अपनी टंकी खाली कर लेता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, मगर वहाँ किसी को न पाकर उसे लगता है कि जो लड़का उसके साथ वहाँ आया था वो उसके बिना ही वहाँ से 9-2-11 हो गया है। अब जहाँ एक तरफ काई उस लड़के को आवाज लगाने लगता है, वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर उस जंगल में रखे एक पत्थर से कुछ खोजबीन कर रहे हैं, जहाँ वो फौरन समझ जाते हैं कि वहाँ कुछ तो ऐसी चीज जरूर है जो उन्हें काफी नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए इमीडिएटली बस के पास आकर इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद सभी लोगों से शेयर करते हैं और उन लोगों को फौरन बस में बैठने के लिए कहते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो टेंटिकल्स दोबारा वहाँ आकर एक बार फिर से एक आदमी को अपने साथ ले जाता है, जिसको देखने के बाद उन सभी की हवा एक बार फिर से टाइट हो जाती है और वो बिना कुछ कहे ही तुरंत बस के अंदर भागने लगते हैं। मगर तभी हमें पता चलता है कि काई तो बस के अंदर है ही नहीं और उसकी मोम उसे पागलों की तरह बस में ढूंढ रही है। और इसी बीच प्रोफेसर सबको बताते हैं कि दरअसल जो खतरनाक चीज उन सबको मारने की कोशिश कर रही है वो असल में एक जायंट फ्रॉग है, जिससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि कोई भी उसके सामने न हिले। अभी प्रोफेसर अपना ज्ञान बांट ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि काई उस लड़के को अभी भी उसी जंगल में ढूंढ रहा है। लेकिन ये उसकी खराब किस्मत कहे या फिर कुदरत का करिश्मा, क्योंकि अब उसके सामने एक जायंट फ्रॉग खड़ा है जो उसको भी बाकी लोगों की तरह अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। मगर किस्मत से काई उसके अटैक से बचकर वहाँ से भागने लगता है। मगर जैसा कि हम सभी को पता है कि काई का एक पैर टूटा हुआ है, जिसकी वजह से उसे भागने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है और भागकर किसी पैर के खाली शील्ड में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बस के पास अब की बार वही मॉन्स्टर स्नेक आ चुका है जो मूवी के स्टार्टिंग में आया था। अब वो मॉन्स्टर स्नेक उनके बस को अपनी गिरफ्त में लेकर काफी जोर से घुमाने लगता है, जिसकी वजह से एक मिनट के लिए बस में बैठे सभी लोगों को ये लगने लगा था कि उनका खेल अब बस खत्म होने ही वाला है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर स्नेक अचानक उनके बस को छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, क्योंकि उसे उसके डैडी यानी द ग्रेट डायनासोर की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे डरकर ही उसने उनके बस को छोड़ा था। मगर उस मॉन्स्टर स्नेक ने उनके बस को इतनी ऊंचाई से छोड़ा था कि वो जैसे ही नीचे गिरता है तो उसके अंदर बैठे लोगों की हालत खराब हो जाती है। और इसी बीच बस का गाइड मिस्टर क्यू से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि मिस्टर क्यू उन सबको वहाँ ये कहकर लाया था कि उनकी ये जगह 100% सेफ है। अभी इनकी ये लड़ाई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ उनकी आवाज को सुनकर वही डायनासोर आ जाता है, जिससे डरकर वो मॉन्स्टर स्नेक भागा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काई अब फाइनली उस जायंट फ्रॉग से बच चुका है। मगर जैसे ही वो उस पेड़ के शील्ड से बाहर निकलता है तो अचानक उसकी नजर वहाँ रखे बड़े बड़े अंडों पर पड़ती है। दरअसल ये अंडे उसी मॉन्स्टर स्नेक के थे जो काई के बस के पीछे पड़ा था। अभी काई उन अंडों को देख ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद वो उन्हीं अंडों के पीछे खुद को छुपा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि दरअसल वहाँ कोई आदमी नहीं बल्कि एक डायनासोर आया है जो उन सभी अंडों को एक एक करके खाने लगता है। और इसी बीच काई उससे बचकर वहाँ से निकलने की भी कोशिश करता है, मगर तभी अचानक उसका स्मार्ट वॉच रिंग करने लगता है और उस डायनासोर को उसके वहाँ होने का एहसास हो जाता है। अब जैसे ही वो डायनासोर वहाँ आकर काई के ऊपर अटैक करता कि उससे पहले ही काई खुद को उससे बचने के लिए वही पास में टूटे हुए एक अंडे में जाकर छुप जाता है और उसे लगता है कि वो
अब बच ही गया है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो डायनासोर वहाँ भी आ टपकता है, जो उसके ऊपर बस हमला करने ही वाला होता है कि एक बार फिर उसकी टक्कर उसी मॉन्स्टर स्नेक से होती है, जिसके अंडों को वो अभी थोड़ी देर पहले खा रहा था। मगर इस बार वो मॉन्स्टर स्नेक उस डायनासोर के ऊपर भारी पड़ने लगती है और उसे मारने के बाद वो काई को घूरने लगती है, जिसको देखकर काई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मगर काई के बॉडी पर उस अंडे का लिक्विड लगने की वजह से उस मॉन्स्टर स्नेक को ऐसा लगता है कि काई उसका ही बच्चा है, इसलिए वो काई को नहीं मारती है। मगर वो जैसे ही अपने बाकी बच्चों को मरा देखती है तो उसके आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर काई वहां से 9-2-11 हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू बाकी लोगों से कहते हैं कि मेरी टीम ने माउंटेन की टॉप पर एक इमरजेंसी सिग्नल स्टेशन बनाया है, जहां पहुंचकर हम सभी अपनी हेल्प के लिए सिग्नल भेज सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि जिसको भी यहाँ से जिंदा बचकर जाना है वो मेरे साथ उस स्टेशन पर चले। लेकिन तभी काई की मॉम मिस्टर क्यू से कहती है कि प्लीज आप लोग मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करें। मगर तभी मिस्टर क्यू बोल पड़ते हैं कि तुम्हारे बेटे की वजह से हम लोग अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। उनके इतना कहते ही बाकी सभी लोग उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। मगर कुछ लोग अभी भी ऐसे बचे थे जो काई को ढूंढने में उसकी मॉम की मदद करना चाहते थे। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि उनके साथ आए प्रोफेसर, बस का ड्राइवर और उनकी असिस्टेंट है। अब जहाँ एक तरफ ये चारों मिलकर काय को ढूंढने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काय उस मॉन्स्टर स्नेक से तो बच गया है, मगर अब उसकी मुलाकात एक ऐसे अनोखे पेड़ से होती है जो इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता था, और उसने बाकी लोगों को जैसे मारा था ठीक वैसे ही अब वो काय को भी अपना शिकार बनाने वाला था। लेकिन उसी बीच अचानक वहाँ मॉन्स्टर स्नेक आकर काय को शहीद होने से बचा लेती है, क्योंकि इस बार उसने इस अनोखे पेड़ को भी बता दिया था कि आखिर वो कौन है। लेकिन इस लड़ाई के अंदर मॉन्स्टर स्नेक को भी काफी चोट आई थी, यही वजह है कि अब उसे दोबारा खड़े होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब उस मॉन्स्टर स्नेक की दरिया दिली को देखकर काय का दिल पिघल जाता है और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। काय उसकी बॉडी पर धसे कांटों को रस्सी की मदद से एक पेड़ से बांध देता है और उस मॉन्स्टर स्नेक को उसे खींचने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर स्नेक अपनी ताकत लगाती है तो तुरंत ही उसकी बॉडी पर लगा वो कांटा बाहर निकल आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग जिन्होंने मिस्टर क्यू के साथ चलने का फैसला किया था वो सभी अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, मगर वहाँ पहुंचने के बाद भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि वो स्टेशन अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ये सभी लोग अभी इस नजारे को देखकर मायूस हो ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ डायनासोर भी आटा पकता है, जो इनको चींटियों की तरह मसलने लगता है। वहीं तीसरी ओर हम देखते हैं कि काई की मॉम अपनी टुकड़ियों के साथ उसे ढूंढने निकल चुकी है, मगर उसे ढूंढते ढूंढते अब रात हो चुकी है, इसलिए प्रोफेसर उससे कहते हैं हमें आज रात के लिए यही रुकना पड़ेगा वरना हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इनकी इस बात को वे सभी लोग मानकर वहीं आराम करने लगते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो ये सभी अपनी जर्नी दोबारा शुरू करते हैं, जहाँ आगे पहुंचकर इन्हें वही मॉन्स्टर स्नेक दिखाई देती है जिसने काय की जान बचाई थी। वहीं दूसरी तरफ काय भी खुद को इन सभी परेशानियों से बचाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसे डायनासोर के ऊपर पड़ती है, जो मूवी की स्टार्टिंग में उसी मॉन्स्टर स्नेक के साथ फाइट कर रहा था। वो देखता है कि वो डायनासोर एक बहुत बड़े फ्रॉग को अपना डिनर बना रहा था, और ये फ्रॉग भी वही फ्रॉग था जिसने उसके बस के ऊपर अटैक किया था। अब काई इस नजारे को देखकर अंदर से कांप उठता है और डरकर वहां से पीछे हटने लगता है, मगर इन सबके बीच उसका पैर एक लकड़ी पर फंस जाती है, जिसके टूटने की आवाज से डायनासोर को किसी के वहां होने का एहसास हो जाता है। अभी मानो काई भी उसका शिकार बनने ही वाला था कि तभी वहां उसकी मॉम आकर उसको उस डायनासोर की नजरों से बचाकर पीछे खींच लेती है। काई अपनी मॉम को वहां पाकर खुशी से रोने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज उस डायनासोर तक पहुंच जाती है और वो उनके पास आकर उन सभी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो सभी वहां से अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो डायनासोर काय और उसके मॉम का पीछा नहीं छोड़ता है, वो लगातार उन्हीं की ओर बढ़ता जा रहा था। वो इन दोनों को अपना शिकार बनाने ही वाला होता है कि तभी वो उन चट्टानों में फंस जाता है, जिसके अंदर ये दोनों
छुपे थे। अब मौका पाकर जैसे ही ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, तो रास्ते के बीच में ही काय का लेग सपोर्टर टूट जाता है, जिसको ठीक करने के लिए काय की मोम उसकी हेल्प करने लगती है। पर इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी जिसकी कोई भी सीमा नहीं थी। दरअसल इनके इस काम को बिगाड़ने के लिए वहाँ एक और डायनासोर आ जाता है, जो इनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि इन दोनों माँ बेटे को उन डायनासोर्स ने घेर लिया है, और अब उनका खेल बस खत्म करने ही वाला होता है कि तभी एक बार फिर उन दोनों माँ बेटे को बचाने के लिए वहाँ वो मॉन्स्टर स्नेक आ जाती है, जो उन दोनों डायनासोर्स को मार मार कर उनका कचुम्बर बना देती है। इनकी इस लड़ाई के बीच काई और उसकी मोम वहाँ से जा रही होती है कि तभी काई देखता है कि उन डायनासोर्स ने मॉन्स्टर स्नेक को सबक सिखाने के लिए अपनी बाकी दोस्तों को भी बुला लिया है, और ये सभी एक साथ उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से मानव वो मॉन्स्टर स्नेक लगभग भगवान को प्यारी हो जाती है। अब स्टोरी अपने अगले सीन की तरफ बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि काय को उस मॉन्स्टर स्नेक की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है, और उसका मन अब उससे मिलने को कर रहा था, मगर उसकी मोम उसको वहाँ जाने से रोकने लगती है, क्योंकि वो फाइनली काय को अपने पास पाकर बहुत ज्यादा खुश है। अभी इनकी ये बातें चल ही रही होती है कि तभी अचानक प्रोफेसर वहाँ देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसका सीधा सा ये मतलब है कि अब बाकी जानवर जो सोए है वो भी जागने वाले है, जिसके बाद मानव वहाँ एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसके बाद से लगभग इनके जिंदा रहने की सभी उम्मीदें खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये सभी वहाँ से भागते भागते आखिरकार वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इनके बाकी साथी मौजूद थे। वहाँ पहुँचते ही ये सभी वहाँ के भयानक नजारे को देखकर भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया था और उस जगह की मिट्टी भी बाकी जगहों के मुकाबले काफी डिफरेंट थी। अब प्रोफेसर अपने ज्ञान का सही उपयोग करते हुए उन सभी को बताते हैं कि दरअसल ये दोनों आइलैंड एक दूसरे से काफी अलग है, मगर किसी न किसी अनजान रीजन की वजह से ये एक दूसरे से जुड़ गए हैं, और यही वजह है कि यहाँ स्नेक और डायनासोर के बीच 36 का आंकड़ा है। अब अचानक वहाँ काय की नजर उस कैमरे में पड़ती है जिसके अंदर वो सभी सीन्स मौजूद थे, जब डायनासोर उनके बस में बैठे सभी लोगों को अपना शिकार बना रहा था। काय जैसे ही इन वीडियोस को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ मिस्टर क्यू आ जाते हैं, जो काय के ऊपर नाइफ लगाकर सभी को उनके आइलैंड से बाहर जाने से रोक लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी अर्निंग्स इस आइलैंड को डेवलप करने में लगा दिया है, और अगर ये खबर कहीं बाहर चली जाती तो मिस्टर क्यू बर्बाद हो जाते। लेकिन तभी वहाँ एक डायनासोर आ जाता है, जिसको देख कर मिस्टर क्यू की हवा टाइट हो जाती है, जिसका फायदा उठाती हुई काय की मोम उनके चंगुल से काय को छुड़ा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भी हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू उस डायनासोर से लड़ने के लिए वहाँ रुक जाते हैं, मगर अफसोस कि वो ऐसा करने को फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो डायनासोर मिस्टर क्यू को एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि वहाँ बचे सभी लोग उस डायनासोर के कहर से बचने के लिए एक जीप में बैठ जाते हैं और उसे चालू करने लगते हैं, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जीप चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इसी दौरान वहाँ वो डायनासोर भी पहुंच जाता है, जो अपने पंजों से उन्हें मसलने ही वाला होता है कि तभी वो जीप चालू हो जाती है और वो सभी उसके इस अटैक से भी बच जाते हैं और अपनी जीप को 200 की रफ्तार से भगाने लगते हैं। मगर वो देखते हैं कि उनकी जीप जितनी तेज भाग रही है, ठीक उतनी ही तेजी से वो डायनासोर भी उनका पीछा कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि जीप का ड्राइवर उस जीप को उस डायनासोर की चारों तरफ घुमाने लगता है, जिससे ये फायदा होता है कि वो अभी तक उस डायनासोर के अटैक से खुद को बचा रहे थे, मगर उनकी इस हरकत से उस डायनासोर को उनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपनी पूंछ को वहाँ के चट्टानों से दे मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे आसमान में उस चट्टान के टुकड़े फैल गए हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे, और इन्ही पत्थरों से बचने के लिए उस जीप का ड्राइवर अपनी जीप को पीछे की ओर मोड़ने लगा, मगर तभी गलती से उनकी जीप पीछे रखे एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है और कुछ यू उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली वो डायनासोर भी उनके पास आ गया है, मगर हर बार की तरह इस बार भी उनको बचाने के लिए वही मॉन्स्टर स्नेक आ जाती है जो मूवी के स्टार्टिंग में अपने नींद से जगी थी। वो उस डायनासोर
करके टोटे टोटे कर देती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल इन दोनों मॉन्स्टर की ये लास्ट फाइट थी, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे के ऊपर पहले से और भी ज्यादा ताकत से हमला कर रहे थे। लेकिन इस बार मॉन्स्टर स्नेक इस फाइट में हारने लगती है कि तभी गाय की मॉम को एक आइडिया आता है और वो उस जीप के अंदर बॉम्ब फिट करके उसे उस डायनासोर के पास ले जाकर उसके अंदर से कूद जाती है। मगर तभी वो देखती है कि उनके बॉम्ब का रिमोट तो काम ही नहीं कर रहा था, जिसके बाद जीप का ड्राइवर एक लकड़ी के अंदर आग लगाकर उसे अपने जीप के अंदर फेंकने के लिए आगे बढ़ता है। मगर घायल होने की वजह से वो इस काम को अंजाम देने में नाकामयाब रहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर की असिस्टेंट उसके इस काम को सक्सेसफुल करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो भी एक पत्थर से टकरा कर बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जिस बच्चे को सब डिसेबल समझ रहे थे वो अपने विल पावर की वजह से इस काम को करने में सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ यू उस गंदे डायनासोर का हमेशा के लिए द एंड हो जाता है। अब उस आइलैंड पर सिर्फ मॉन्स्टर स्नेक का ही राज था। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को टैप कर लें। मैं आपसे अब अगले मूवी में मिलूंगी।